हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है गौतम गंभीर के रिलेटेड। तो गौतम गंभीर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जिन्होंने एक स्टोरी कवर की थी कि गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट बोला विराट कोहली के रिलेटेड कि अगर विराट कोहली 195 रन पे होते तो वो सिंगल सिंगल रन लेते, ना कि मैक्सवेल जैसा सिक्स मारते। ये डिफरेंस है मैक्सवेल और विराट कोहली के अंदर। जहाँ इसी पर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, व्हाट बुलशिट, व्हेन आई से समथिंग आई से इट ओपनली टू ऑल द सो कॉल्ड वेरीफाई हैंडल अपोलोजाइज। जहाँ इसी के रिलेटेड न्यूज़ 18 ने सॉरी भी बोला गौतम गंभीर को और उन्होंने बोला कि स्टोरी को टेक डाउन कर दिया गया है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है फुकरा इंसान के रिलेटेड। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि फुकरा इंसान और साक्षी मलिक का आपको बहुत जल्दी म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगा जो कि एक लव और हार्ट ब्रेक स्टोरी रहेगी। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है ओमेगल के रिलेटेड। तो ओमेगल को परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया है 14 ईयर्स के बाद। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मनीषा रानी के रिलेटेड। तो मनीषा रानी का सॉन्ग बारिश के आने से ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे सेकंड नंबर पे। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मनीषा रानी के फ्रेंड विशाल सिंह के रिलेटेड। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए फैजान अंसारी पर जो फेक एलिगेशन लगा रहे मनीषा रानी के ऊपर, जहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ बोला जिसके रिलेटेड आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। तो एक अंसारी करके कोई बंदा है, उसका इंटरव्यू देख रहा हूँ दो तीन दिन से, इग्नोर कर रहा था क्योंकि इस पर रिएक्शन देना नहीं था। पर ये जब मनीषा बिग बॉस में थी तब भी ये कुछ बोला था, उस टाइम भी इग्नोर किया गया था, उस टाइम इसको भाव मिला नहीं, वापस आया ये। पहले तो मैं मीडिया वालों से पूछना चाहूंगा कि जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, आप उसको नेशनल टेलीविजन पर बिठा करके उनके बारे में बात करो जिनकी मार्केट में इज्जत है। और तू सुन मेरी बात, मनीषा प्रशासन को फोन दिखा देगी जब प्रशासन पूछेगी, तो एविडेंस है कि नहीं वो सब पता लग जाएगा। उस लड़की को तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में कि क्या होता है सांप का जहर, क्या होता है नशा, इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता। पर तू जो अपना चोंच लेके गया है ना मीडिया में और प्रशासन को बोल रहा है कि चेक करने के लिए, हम तो करा देंगे, हम सारे खड़े हैं उसके साथ। तू सोच रहा ना कि अगर वो अकेली है तो ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन उसके बाद तू अपने आप को प्रिपेयर करके रखना कि तेरे साथ क्या होगा, फिर तेरे पे कहां से केसेस होंगे ना, फिर तू ये तू सोचना अपने। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी के रिलेटेड। सौरभ जोशी ने अपने रिसेंट ब्लॉग में बताया कि वो इंडिया का टूर करने वाले मीटअप के लिए। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।